भाई साहब क्या ही कर दिया एप्पल ने <laughs> मतलब लिटरली इन लोग ने पूरा फिर से तहलका मचा दिया मार्केट में ऐसा हिस्ट्री रिपीट हो रही है जैसे एंड्रॉइड और आईफोन आए थे उसके बाद बड़े बड़े जो ब्रांड्स थे एकदम जायंट स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ब्लैकबेरी और फिर नोकिया सोनी एरिक्सन सब निस्त नाबूद हो गए वही वाला हाल यहाँ पर फिर से दिख रहा है आम आया। इन लोग जो कंपनीज अपने आप को अपडेट नहीं करेंगी अगर जो जितनी लैपटॉप की कंपनी है तो उनका क्या होगा भाई पता नहीं क्योंकि क्या ही तगड़ी मशीन एप्पल ने निकाली है यार। like, मेरे तो मतलब जब मैं कल रात में इवेंट देखा तो मेरा बार बार ऐसा मतलब इतना तगड़ा रिएक्शन मतलब भाई साहब मैं बताता तो हूँ आपको क्या क्या चीजें आई है Let's begin. So भाई कल एप्पल का इवेंट हुआ पहले तो वो म्यूजिक निकाला ने लगने। अगर आप पहले से एप्पल म्यूजिक यूजर हो तो आपको अगर वॉइस से सारी चीज कंट्रोल करनी है कि सीरी से आप बोल के हर एक चीज कंट्रोल कर सकते हो नेक्स्ट पिलीज ये वो उसके लिए आपको फोर्टी का पर मंथ प्लान लेना पड़ेगा तो अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो एंड जो होमपॉड है दस का छोटा सा स्पीकर आता है होमपॉड मिनी उसमें मल्टीपल कलर आ गए हैं तो किसी को चाहिए तो आप देख सकते हो बाकी ये तो थोड़े नॉर्मल थे अब उसके बाद एक तगड़ा अपडेट ये है अभी ये जो एयरपोड्स 2 है भाई इसका अपडेटेड वर्जन इन लोग लेके आए हैं बेसिकली एयरपोड्स 3 लॉन्च हो गया है हजार रुपए का इंडियन प्राइस है भाई थोड़ा ज्यादा ही है एंड वही प्लास्टिक वाला टिप है बेसिकली जो ये एयरपोर्ट प्रो है समझ लो सेम सेम टू ऐसा ही है बट ये जो पन्नी है निकल गया तो ये येपोर्ट फ्री बन गया ऐसे टाइप का एयरपोर्ट फ्री है बेसिकली ये सब ठीक है यार इसमें मेरे को इतना मजा नहीं आया लेकिन भाई सबसे ज्यादा मजेदार तो इन लोग ने जो प्रोसेसर निकाले हैं भाई साहब ये दो वाला मैकबुक है ठीक है इसके अंदर इंटेल का प्रोसेसर है एंड मोस्टली सारे में इंटेल का प्रोसेसर होता था लास्ट ईयर इन लोग ने एम करके चिपसेट था जो आम बेस्ड इन लोग का खुद का प्रोसेसर था उस पर इन लोग शिफ्ट किए जो मैक मिनी दिख रहा है ना आपको ये मैक मिनी के अंदर M1 प्रोसेसर और ये वाला जो आईपैड प्रो है इसके अंदर भी M1 प्रोसेसर है ठीक है और ये एम प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावरफुल है मैं आपको इसकी पावर दिखाऊं।

कोर का जीपीयू रहने वाला है और जो M1 मैक्स है उसके अंदर 32 कोर का जीपीयू आने वाला है मतलब क्रेजी है भाई एक्चुअली इन लोगों ने दो प्रोसेसर निकाला है एक M1 प्रो है एक M1 मैक्स है दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है खाली जीपीयू में फर्क है जो M1 प्रो है उसके अंदर 14 कोर और 16 कोर का जीपीयू है जो M1 मैक्स है उसके अंदर 24 कोर एंड 32 कोर का जीपीयू है भाई <laughs>

थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया भाई बेसिकली सारे जो वेरियंट है उसमें जो सीपीयू है वो दस कोर का है लेकिन जो सबसे बेस वेरियंट है उसमें सिर्फ एक आठ कोर का जीपीयू है और उसका जो चार्जर भी है वो का है और जो बड़ा हाई एंड वेरियंट है इंच में उसका चालीस वॉट का है और जो अगर आप इंच वाला लोगे तो उसके अंदर का चार्जर आपको देखने को मिलने वाला है एंड बहुत ज्यादा हैवी भी, भी नहीं है जो सोलह इंच वाला है mm है एंड एंड टू पॉइंट टू के आसपास है एंड और जो चौदह इंच वाला मॉडल है भाई वो mm थिक है एंड जो उसका वेट है वो वन पॉइंट सिक्स के है तो काफी लाइट वेट भी मैं बोलूंगा चौदह इंच वाला है जो सोलह इंच वाला वो थोड़ा सा हैवी है भाई एंड वगैरह तो मैंने बता दिया नॉच है वो तो भाई सरदर्द है लेकिन इस बार इन लोग ने 1080p वेब दिए है तो अच्छी क्वालिटी का वीडियो बन सकता है एंड माइक जो तारीफ किए ना इन लोगों ने भाई इतनी बड़ी बड़ी की इसके अंदर दो दो सब है दो ट्विटर है एकदम खतरनाक खतरनाक बेस वगैरह के लिए एकदम भारी स्पीकर दिया हुआ है और एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी का माइक्रोफोन है लाइक आप उसमें म्यूजिक रिकॉर्ड कर सकते हो ऐसा उन लोग ने बोला है और मैंने जितना टेस्ट किया भाई एप्पल का माइक एंड स्पीकर एकदम नेक्स्ट लेवल होता है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं कि डेफिनेटली इसके अंदर भी एकदम नेक्स्ट लेवल होगा लेकिन जब इतना बड़ा नॉच दिए तो उसके अंदर इन लोग को फेस आई भी देना चाहता लेकिन भाई जब ऊपर की जो लीड होती है ना लैपटॉप की वो बहुत ही पतली होती है तो उसके अंदर फेस आई का हार्डवेयर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था आई थिंक इसके वजह से नहीं दिए फेसी के लिए कर रहे थे लेकिन शायद नहीं कर पाए तो जो भी है बाकी

एक छोटे से मशीन में जो पोर्टेबल है भाई ये बहुत बड़ी बात है तो प्राइस भी वैसा ही है भाई बहुत ही ज्यादा महंगा है जो 14 इंच वाला मॉडल है वो 1.95 पॉइंट नाइन से स्टार्ट होता है लेकिन जो 1.95 पॉइंट नाइन वाला मॉडल है भाई डिस्प्ले वगैरह सब सेम है बैटरी भी सेम है लेकिन क्या है ना जो सीपीयू है वो एट कोर का है और जीपीयू वही चौदह कोर का है तो मतलब बेस वेरियंट तो बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा पैसा बढ़ाओ बीस हजार रुपए और एड करो तो दस कोर का आपको सीपीयू मिलेगा एंड वही चौदह कोर का जीपीयू मिलेगा और बाकी उसके ऊपर तो आप कितना ही बढ़ा सकते हो उधर पे रैम वगैरह जो है सिक्सटी तक कर सकते हो आप यूजली

तो लेकिन भाई जो अब जैसे बड़े बड़े स्टूडियो के इन के लिए लाख कोई नहीं बड़ी बात नहीं है क्योंकि भाई ये सब मशीन ऐसी है आठ आठ दस दस साल चलेंगी भाई तो वैसा उन लोग प्राइस चार्ज कर रहे हैं लेकिन मैं भाई जस्टिफाइड है प्राइस मैं तो ये डेफिनेटली बोलूंगा क्योंकि उनका जो डिस्प्ले है ना वही डिस्प्ले खाली डेढ़ देर लाख रुपए का आता है भाई इतना हाई एंड डिस्प्ले है तो उसके हिसाब से भाई तो डेफिनेटली जस्टिफाइड है मेरे को लेना है यार मेरा तो पूरा पूरा मन है बट लेट्स सी सो ओवरऑल भाई लिटरली इन लोग ने पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया अब सोचो कि भाई जो दूसरे लैपटॉप मैनुफेक्चरर हैं ये लोग कैसे कंपीट करेंगे यार मतलब कोई पॉसिबिलिटी बनती है इनकी कंपीट करने की जब तक इन लोग ऐसा इतना हाई एंड इतना पावरफुल प्रोसेसर वगैरह ना बना ले वे? जो भी है गाइज देते इतना ही था इस वीडियो में आई होप आपको वीडियो पसंद है कि पसंद, पसंद तो शेयर सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिसो गाइज बाई